दोस्तों ये देखिए सुबह का ठीक 10 बज रहा है और मेरे सारे काम मैंने निपटा दिए हैं। और जैसा कि आज मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और मैं आज आपको अपना पूरा लाइफ स्टाइल दिखाऊंगी कि मैं कैसे रहती हूँ। ये देखिए मैंने सब झाड़ू पोछा कर लिया है, एकदम सब कुछ क्लीन कर दिया है, झाड़ू लग गई है, यहाँ तक कि आप देखिए मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, साफ़ सफाई कर दी है 10 बजे तक। और आइए मेरे बर्तन धुल चुके हैं, पूरा सिंक साफ हो चुका है। मैंने आज सिर्फ जो है लाल मसूर की दाल बनाई है ये देखिए, और मैं चावल जो हूँ एकदम गर्मा गर्म बनाऊँगी। जब हम खाएंगे खाना दोपहर में 1 बजे तो मैं तभी चावल चढ़ाऊँगी। और बाकी मैंने सब कर दिया है, क्लीन हो गया है सारा कुछ। और देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ कुछ थोड़ी बहुत वेजिटेबल लेने, और क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल्स खत्म हो गई हैं तो मैं वेजिटेबल लेके आऊंगी। चलिए चलते हैं। यहाँ मार्केट आने के बाद भैया जी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तल रहे हैं, तो दोस्तों आज ठंड बहुत ज़्यादा है तो सोचा कुछ पकौड़ियाँ खा ली जाए और फिर उसके बाद चलते हैं सब्जी मंडी। यहाँ पर मैं 1 किलो मटर ले रही हूँ, हरी मटर, इनके पास और भी सब्जियाँ हैं। तो सब्जियाँ खरीदने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ से ताज़ी और तुरंत बनी हुई गाजर खरीद ली जाए, तो मैंने 1 किलो गाजर खरीदी और उसके बाद मैंने सोचा अब घर चलते हैं वापस। और दोस्तों अब मैं दोपहर के खाने के लिए चावल बनाने जा रही हूँ, राइस। और मेरा थोड़ा सा राइस बनाने का तरीका जो जाड़ों में है वो थोड़ा डिफरेंट है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं राइस जाड़ों में कैसे बनाती हूँ। और दोस्तों ये मैंने चावल धो लिए हैं और अब मैं इसमें इस चावल को, क्योंकि जाड़े में चावल की तासीर ठंडी होती है, तो हम इसमें सिर्फ 2 लौंग डाल देंगे। और 2 लौंग डालने से ये चावल जो है आपका तासीर इसकी गर्म हो जाएगी और ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। आप चाहें तो लौंग की जगह अदरक भी डाल सकते हैं। और राइस बनाने के लिए मैं हमेशा लेती हूँ कॉपर का यूटेंसिल। जी हाँ, आप कॉपर के यूटेंसिल में ही खाना बनाया करें, क्योंकि कॉपर जो है वो उसमें से जब भी आप खाना बनाएंगे तो उसमें से सॉल्ट रिलीज नहीं होगा, बाकी जो एल्यूमिनियम होता है वो सॉल्ट रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये कैंसर करता है जो एल्यूमिनियम का सॉल्ट निकलता है। और आप हमेशा कॉपर के यूटेंसिल में खाना बनाइए। मैंने इस कॉपर के यूटेंसिल पर निकल करा रखा है और इसको मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। और ये हमारे चावल चढ़ गए हैं इस तरीके से, ये देखिए ये हमारे चावल चढ़ गए हैं, मैं ढक दे रही हूँ और अब हम थोड़ी देर में खाना खाएँगे।